So next one again, same example we are discussing in the previous case using stack diagram. And next we want to discuss in same program using tree diagram. So already we discussed kiya tha. Agar program ya functions ka length small hai. Agar koi function small length mein available hai, is function containing 2, 3 or 4 statements. Then in this case, best case kya rahega, go through stack diagram, go through tree diagram. Agar functions ka length इंक्रीज है या फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट फाउंड हो रहा मोर देन 3 और 4 स्टेटमेंट देन सबसे बेस्ट केस क्या है गो थ्रू स्टैक डायग्राम इन दैट केस प्रीवियस केस में इसका आउटपुट शो हुआ था 3 2 1 0 0 1 2 3 देन सेम प्रोग्राम सॉल्व करेंगे यूजिंग ट्री डायग्राम ट्री के रिस्पेक्ट में सबसे पहले कॉल किया हो रहा मेन फंक्शन के अंदर मेन आपके लिए अंडरस्टूड है इसलिए मैं डायरेक्टली स्टार्टिंग कर रहा हूं फ्रॉम m1 जैसे m1 फंक्शन कॉल होगा इसके लिए एंट्री राइट डाउन करेंगे इनसाइड टॉप m1 के केस में करंटली वैल्यू कितना पास किया 3 वन मोर थिंग्स जब m1 फंक्शन प्रोसेस होगा तो m1 के अंदर जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को मैंने ऑलरेडी प्रीवियस केस में डिवाइड किया था एज अ 3 स्टेटमेंट 1 दैट वन इज कंसीडर्ड एज 2 दैट वन इज 3 जब भी इस प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट करें देन टी में मैं इस प्रिंट एफ n को रिप्रिंट करूंगा लाइक दैट p ऑफ n इन दैट केस अगर एक कंडीशन ट्रू है देन m1 कॉल होगा तो m1 के केस में m1 को कंसीडर करेंगे like that some constant value then printf again printf को consider करेंगे जब printf n like that first time जब m1 call होगा m1 के केस में भी constant value क्या है 3 that's why we are writing 3 जैसे इस केस में 3 के लिए printf को chance मिलेगा तो every time किसी भी functions के लिए कितने statement complete करना 1 2 3 ये 3 statement represent करूंगा using 3 directions like that फर्स्ट केस में क्या है प्रिंट एफ एन और एन का वैल्यू पास किया हुआ 3 सेकंड केस में क्या पास होगा मींस करंटली एन का वैल्यू 3 है 3 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है ट्रू इसलिए पुट क्या करें m1 n - 1 एन का वैल्यू कितना है 3 3 - 1 इज 2 नेक्स्ट टाइम थर्ड केस क्या प्रिंट एफ एन अगेन प्रिंट एफ एन मींस व्हिच इज 3 नेक्स्ट टाइम अगेन इस केस में m1 को प्रोसेस करेंगे m1 को कब तक प्रोसेस करेंगे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है नेक्स्ट टाइम जब m1 प्रोसेस होगा इन दैट केस अगेन टोटल कितने स्टेटमेंट पुट करना है 3 स्टेटमेंट अगेन 3 स्टेटमेंट्स प्रिंट एफ n का वैल्यू कितना है 2 देन m1 फिर से कॉल होगा बिकॉज n का वैल्यू 2 है 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू कंडीशन ट्रू है देन पास के वर्ष केस में नेक्स्ट टाइम n माइनस 1 n का वैल्यू क्या है 2 2 माइनस 1 इज 1 नेक्स्ट टाइम क्या पास होगा इस केस में 1 नेक्स्ट टाइम अगेन प्रिंट एफ n व्हिच इज 2 नेक्स्ट टाइम अगेन m1 प्रोसेस करेंगे n का वैल्यू कितना 1 1 के लिए कंडीशन कैसा अगेन ट्रू फिर से प्रोसेस करेंगे प्रिंट एफ n n इज 1 नेक्स्ट टाइम 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू इसलिए फिर से पास किया हुआ n माइनस 1 मींस प्रिंट एफ n माइनस 1 n इज 1 1 माइनस 1 इज 0 then next time sorry this one is a m1 calling m1 next one printf n next time again m1 0 ke liye process karenge m1 0 ke case mein again kitne directions honge 3 directions lekin is case mein first one printf n n value is 0 second case mein jab condition test hua 0 greater than 0 कंडीशन फॉल्स है तो इस केस में m1 को चांस प्रोवाइड नहीं हुआ देन डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम अगेन प्रिंट एफ n n का वैल्यू क्या है 0 लाइक दैट देन आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे इन दैट प्लेस देन अब कुछ नहीं है अभी तो मैंने सिंपली इसको स्टैक में पुट कर लिया है और स्टैक में पुश किया है स्टैक में मींस ट्री के फॉर्म में डायग्राम क्रिएट करने के बाद देन ट्री के सारे नोड विजिट करेंगे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन इन ट्री ऑर्डर ट्रैवर्सल फर्स्ट टाइम m1 है देन m1 जैसे printf मिलेगा तो printf के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम परफॉर्म क्या करें printf 3 तो सी इमीडिएटली क्या प्रिंट हो जाएगा एस 3 नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद m1 देन m1 के लिए फिर से प्रोसेस क्या करेंगे लेफ्ट printf में क्या प्रिंट हो रहा है 2 नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले क्या करा देंगे एज अ 2 नेक्स्ट टाइम m1 printf में क्या पास हो रहा है 1 डिस्प्ले क्या हुआ इस केस में 1 नेक्स्ट वन m1 के लिए कुछ प्रोसेस नहीं करना ओनली इसको विजिट करना है नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ 0 डिस्प्ले क्या कराएंगे 0 मींस जहां भी प्रिंट एफ फाउंड हुआ उसके अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे नेक्स्ट वन
again printf, printf again 0. Next one, visiting root, then again printf, printf mein kya found ho raha, 1, that's why we are displaying 1. Next now, again it's root, root mein m1 hai, then again printf, printf mein kya 2, isliye display kya karayenge 2. Next time again root and printf, printf mein kya pass ho raha 3, display kya hua 3. Next one again root means completed. Means tree diagram ke through bhi represent karna possible, stack diagram ke through bhi represent karna possible. Means dono case mein outputs kaise aayenge same.